या बारिश का मौसम, हमें कुछ फ्राइड मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू लच्छेदार पकौड़े, या व्रत के टाइम भी खा सकते हैं और शाम की चाय के वक्त भी। और अच्छी चीज खाने के लिए हम वक्त का इंतजार क्यों करें, इसको हम बेवक्त भी खा सकते हैं। तो आइए फिर फटाफट हम आलू लच्छेदार पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप घिसे हुए आलू, और उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, 1 कटी हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, 1/4 कप कुट्टू का आटा। आप चाहे तो समा का आटा भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे व्रत वाले पकौड़े बन रहे हैं, बट आप नॉर्मल डेज में भी इसको बना सकते हैं। बट अगर आप व्रत पे बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस, जब तक मैं इसको मिला रही हूँ, आप फटाफट से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। मैंने तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया? फटाफट से कर दीजिए। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम थोड़े थोड़े करके पकौड़े डालेंगे। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप वो भी जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। गर्मा गर्म आलू लच्छेदार पकौड़े तैयार है। आप इसे व्रत के टाइम भी खाएं और शाम की चाय के वक्त भी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और मेहमानों को भी जरूर खिलाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सकें।